तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का एक और GT5 की वीडियो में। तो यहाँ पे माइकल जो है हमारा योगा कर रहा है सुबह सुबह एकदम जीन्स पहन के। पता नहीं यार जीन्स पहन के क्यों योगा कर रहा है। बट लास्ट वीडियो हम लोगों ने फॉर्च्यूनर को चुराया था एंड उसमें से बहुत सारा कैश और गोल्ड निकला था जो कि हमारा लेस्टर ने ले लिया था। एंड लेस्टर ने हमको वो फॉर्च्यूनर दे दी थी वापस, पर एक सीन हो गया कि वो फॉर्च्यूनर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है जो कि मेरे गैराज में खड़ी हुई है। लास्ट टाइम मैं उसको बैनी के पास लेके जाने वाला था बट वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। तो आज हम जाने वाले हैं बैनी के पास उस फॉर्च्यूनर को मॉडिफाई करवाने के लिए थोड़ा सा। तो चलो फटाफट से चलते हैं हम लोग, पहले इसकी योगा ख़त्म हो जाए उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो गाइस माइकल ने यहाँ पे अपनी योगा ख़त्म कर लिया और हम लोग फटाफट से चलने वाले हैं बैनी के पास अपनी फॉर्च्यूनर को लेके। यार बहुत ज़्यादा ना मतलब पुलिस की ज़्यादा मतलब पुलिस बहुत ज़्यादा घूम रही थी सिटी के अंदर, तो मैं फटाफट से ना उस फॉर्च्यूनर को लेके आ गया था और मैंने अपने गैराज में खड़ी कर दी थी चुपचाप। पर यार उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसके अंदर थोड़ी सी आग भी लग चुकी थी उसके इंजन में। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और देखो यार यहाँ पर ठंड का पूरा माहौल हो रखा है, एकदम स्नो वगैरह पड़ रही है। तो हम लोग चलते हैं गैराज में, इसलिए मैंने जैकेट भी पहन रखी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये अपनी फॉर्च्यूनर देखो पीछे से थोड़ी बहुत ठीक भी है बट देखो आगे से धुआं निकल रहा है इसमें, कल रात से इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ, मैं टो ट्रक निकालता हूँ, टो ट्रक से चलते हैं अपन लोग। तो लास्ट टाइम तो हमने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया था वहाँ पे एक लास्ट लोकेशन पे, बट हमारे यहाँ पे अमेंडा की कार है, अमेंडा की कार यहीं पे, अमेंडा वापस आ चुकी है। तो हम लोग चल रहे हैं अमेंडा की कार को लेके। अब एक गेट लग जाए, अपना टूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी अमेंडा। बाकी हम लोग फटाफट से चलते हैं टो ट्रक को लेने के लिए। गाइस मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही है, ये लेस्टर को पता कैसे चलता है किसी भी चीज़ के बारे में कि ये अच्छी ये गाड़ी यहाँ से इंपोर्ट हो रही है या फिर उसके अंदर बहुत सारा पैसा है, गोल्ड है, पता नहीं यार क्या करता रहता है लेस्टर। बाकी अपन लोग चल रहे हैं अपने टो ट्रक को लेने के लिए। यहाँ तो मेरे को कहीं टो ट्रक दिख नहीं रहा, वो देखो रोल्स रॉयस जा रही है भाई। मैंने यहाँ पर दो बार रोल्स रॉयस देख ली यार, मेरे घर के पास में भी यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती रहती हैं क्या, मेरे को पता नहीं था। बाकी हम लोग पहाड़ पे कहीं चल के देखते हैं, वहाँ पे अगर हमको टो ट्रक मिलता है तो वहाँ से लेते हैं हम लोग। तो गाइस गाड़ी को चलाते चलाते मैं कहीं VIP रोड पे तो आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे दोबारा से रोल्स रॉयस मिल गई यार, पता नहीं कैसी कैसी बढ़िया बढ़िया जगह है। पर यार इस जगह पे एक दिन हमको भी घर लेना है, बढ़िया सा अपना मेंशन लेना है पूरा। अभी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा कम ही पैसा, मतलब बहुत ही कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है नहीं। तो मैं सोच रहा था गाइस क्यों ना मैं एक डीलरशिप चालू कर लूँ, लेस्टर के पास जो पैसा है उसमें से थोड़ा सा पैसा लेके अपनी एक डीलरशिप चालू कर लेते हैं जिसमें हम लोग गाड़ी को बेचा करेंगे। तो उसके लिए देखना पड़ेगा मेरे को, लेस्टर से बात करनी पड़ेगी। अभी चलेंगे हम लेस्टर के पास तो वहाँ पे चल के बात भी कर लेंगे कि डीलरशिप खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास बैनी है ही, वो गाड़ियों को ठीक कर दिया करेगा, मैकेनिक के लिए उसको रख लेंगे हम अच्छे से अपने साथ। को तो काफ़ी ज़्यादा दूर तो मैं आ चुका हूँ, मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। वेट गाइस तो यहाँ पर मेरे को टो ट्रक दिखा तो है, यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ फटाफट से। और यार यहाँ का सीन देखो गाइस एक बार, ये पता नहीं कौन सी लोकेशन है, मैं ऐसी गाड़ी को इधर से उधर घुमाते हुए लेके आ चुका हूँ भाई। यहाँ पे वाटर देखो कितना सही लग रहा है यार। तो गाइस मैं फटाफट से यहाँ पे देखता हूँ कि टो ट्रक आखिर किसका है एंड मैं उससे बात करता हूँ कि मैं ये टो ट्रक लेके जा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे को यार बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी है। तो शायद से इनका EMN से एक बार बात करता हूँ फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस मेरी इससे इस भाई से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि भाई इसी का टो ट्रक था और मैंने इससे ना चाबी ले ली है टो ट्रक की, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये तो जाएंगे नहीं उधर, मैंने इनको पेमेंट कर दिया भाई, बहुत महंगा लिया है भाई इसने, बहुत ज़्यादा महंगा लिया है। बाकी हम लोग टो ट्रक के अंदर बैठ चुके हैं, अब मैं फटाफट से टो ट्रक को लेके चलता हूँ। तो गाइस मैंने अमेंडा की कार को वहीं पे छोड़ दिया है यार, वहीं पे पार्क कर दिया है ऐसे ही, बस उसकी कार को कोई लेके ना जाए। एंड मैं टो ट्रक को फटाफट से अपने घर पे लेके चलता हूँ, फॉर्च्यूनर को यहाँ पे टो करेंगे एंड फटाफट से बैनी के पास चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने घर के पास पहुँच तो चुके हैं एंड मैं आराम, यार क्या कर रहे हैं भाई ये गाड़ी वाले, कैसे चला रहे हैं भाई, इनको ठंड में दिख नहीं रहा क्या। एंड मैं फटाफट से टो ट्रक को अपने अंदर लेके चलता हूँ और यहीं से, अरे शिट मेरे घर के कोने पे लग गया यार भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा इस फॉर्च्यूनर के चक्कर में लग रहा है। बाकी हम लोग चलते हैं इसको टो करने के लिए, यहाँ से मैं रिवर्स लेके बैक साइड से मैं यहाँ से लूँगा। और मैंने यार छुपा दिया था भाई, पुलिस वाले देख लेते ना दिक्कत हो जाती। तो मैं ये जाएगी नहीं क्या, जाएगी नहीं क्या ये, ओ शिट यार शायद से गाइस जाएगी नहीं है। बाकी मैं एक बार इसका ये एंटीना नीचे करता हूँ। ओके तो मैंने इसका एंटीना तो नीचे कर दिया है, अब जाने की कोशिश करता हूँ मैं, अब जाएगी कि नहीं जाएगी। ओके तो फाइनली गाइस हमने टो कर लिया है अपनी फॉर्च्यूनर को एंड अब हम लोग इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं। चलो भाई मैंने उठा लिया इसको। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी को टो कर लिया है और हम लोग चलते हैं फटाफट से बैनी के पास में। तो बैनी के लोकेशन थी ये रही, बैनी की लोकेशन पे मैंने मार्क कर दिया है, अब हम फटाफट से चलते हैं भाई। धुआं निकल रहा है यार इसमें, कल रात से ही बहुत ज़्यादा आग भी लगी थी एक बार मैंने, फिर इसकी ना आग बुझाई, पता नहीं कैसी सी फॉर्च्यूनर है ये।
बाकी यार इंडिया से आई है तो यार इसलिए मैंने इसको अपने पास रखा। तो बैनी के पास जाने से पहले यार मैं चाहता हूँ ना एक बार तुम लोग बता दो मेरे को कि बैनी से मैं इसके लिए क्या क्या मतलब क्या क्या करवाऊँ बैनी से, मैं बैनी के पास इसको छोड़ के आ जाऊँगा। तो तुम लोग यार कमेंट के अंदर ज़रूर बताओ कि इस पर कौन सा कलर करवाएं हम लोग एंड क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करवाऊँ मैं, तुम लोग ज़रूर से बता देना। अभी तो मैं बैनी को ऐसे दिया हूँगा तो बैनी जो भी है पहले इसका इंजन वगैरह रिपेयर करेगा तो तुम लोग बता देना, उस हिसाब से मैं इस पर करवा दूँगा सब चीज़। तो गाइज़ मैं ना एक चीज़ सोच रहा हूँ कि यार हम लोग अपनी फॉर्चुनर को ऐसे लेके जा रहे हैं, कहीं किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो दिक्कत ना हो जाए यार, दिक्कत भी हो सकती है ऐसे। तो बाकी हम लोग पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, चलो फटाफट से चलते हैं यार, कैसे भी करके यार जल्दी से पहुँचना है अपने को। तो फाइनली गाइज हम लोग बस बैनी के गैराज पे पहुँच ही चुके हैं एंड मेरे को यहाँ से बस लेफ़्ट लेना है, तो मैं यहाँ से फटाफट से लेफ़्ट ले लेता हूँ और अब हम लोग चलते हैं फटाफट से बैनी के गैराज के अंदर, यहीं से रास्ता है तो चलो। अरे भाई थूक गई यार गाड़ी। चलो गाइज अपनी आ चुकी है यहाँ पे फॉर्चुनर। ओके सो गाइज मैंने ना अपनी ओके 3-2-1 स्टार्ट। तो गाइज मैंने अपनी फॉर्चुनर को ना अंदर खड़े कर दिया है, जगह नहीं थी यार, स्पेस था नहीं, तो मैं यार टो ट्रक को बाहर उतार के ले आया और मैंने अपनी फॉर्चुनर को जो है अंदर खड़ा कर दिया। एंड बाकी हम लोग फटाफट से चलते हैं बैनी के पास यार, उससे ज़रा बोल देते हैं कि बढ़िया सा यार इसको मॉडिफिकेशन कर दिया उसमें। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं बैनी के गैराज के अंदर एंड देखो भाई काफ़ी ज़्यादा सही गैराज बना रखा है इसने अपना, ये देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। एंड बैनी देखते हैं कहाँ पे है भाई यार, अपनी गाड़ी में से देखो अभी भी धुआं निकल रहा है पूरा, इसका इंजन जो है ना ख़राब हो गया, पुलिस वालों ने ना ठोक ठोक के इसके इंजन को पूरा डैमेज कर दिया। एंड वो अपना बैनी इस गाड़ी को देख रहा है, शायद इसने मॉडिफाई करी है, गाड़ी नॉर्मल लग रही है वैसे देखने में तो, बाकी इसने मॉडिफाई करी है। चलो हम चल के यार इससे बात करते हैं। तो गाइज़ मैंने बैनी को सब कुछ बता दिया इस गाड़ी के बारे में एंड बैनी जो है हमारा खास एकदम खास हम खास दोस्त है, तो मैंने उसको अपने इस गाड़ी के बारे में बता दिया कि हम इस गाड़ी को कैसे लेके आए हैं एंड ये अपने जरा पार्ट्स वगैरह देख रहा है, मतलब इसको कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत है तो वो सब ये लिख रहा है एंड देख रहा है। तो इस जब तक के लिए मैंने इससे बोला है कि यार अपनी गाड़ी दे दो यार मेरे को ज़रा बाहर जाना है, तो इसने अपनी गाड़ी की चाबी मेरे को दे दी है, तो इसकी गाड़ी जो है बाहर खड़ी हुई है, तो हम उसकी गाड़ी में बैठ के चलते हैं सीधे लेस्टर के पास में। लेस्टर का मेरे को कॉल आया था अभी, तो लेस्टर भी हमको मिलने के लिए बुला रहा है, तो फटाफट से लेस्टर के पास चलते हैं और चलो हमने इसको काम तो दे दिया है, हम फटाफट से चलते हैं बाहर अब। तो फाइनली गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं और इसकी गाड़ी ये है क्या यार, नहीं यार इसने कहा था ब्लैक कलर की कोई कार है इसकी, ये रही गाइस ये रही इसकी कार। तो हम लोग फटाफट से चलते हैं इसकी गाड़ी में, चाबी तो हमारे पास है ही, बाकी यार जो भी है बैनी की गाड़ी बड़ी अच्छी है यार, ये भी हमारी फॉर्चुनर पर भी ब्लैक कलर है, इसकी गाड़ी भी ब्लैक है, तो फटाफट से चलते हैं हम लोग लेस्टर के पास में। लेस्टर का कॉल आया था यार, तो गाइस मेरे पास अभी दोबारा से लेस्टर का कॉल आया एंड लेस्टर जो है हमको कह रहा है कि भाई तुम लोग फटाफट से क्यों नहीं आ रहे हो, भाई कोई मिलने के लिए आया हुआ है गाइज हमसे स्पेशल, तो यार चल के देखते हैं कि आखिर कौन मिलने के लिए हमसे आया हुआ है, फटाफट से चलते हैं। एंड यार जो हमको बैनी ने अपनी कार दी है काफ़ी ज़्यादा सही है यार चलने में, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है चलने में एंड बहुत कम्फर्टेबल है मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा दूर है नहीं लेस्टर का यहाँ से ऑफिस, सीक्रेट ऑफिस है वो उसका, उसने उसके अंदर ना फैक्ट्री बना रखी है। तो अरे 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 शिट थूकनी नहीं चाहिए भाई, अपनी गाड़ी नहीं है, बाकी यार बैनी की है, ठुकेगी तो बना लिया खुद, पर ठुकनी नहीं चाहिए ऐसे कि दूसरी गाड़ी हम ठोक देंगे तो यार ज़्यादा सही नहीं रहता। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग लेस्टर के पास। तो गाइस लेस्टर ने ना मेरे को ये लोकेशन दी थी पर यार उसका जो बेस है वो मेरे को दिख नहीं रहा है, मैंने शायद ना गलत GPS में मार्क कर दिया मेरे को लोकेशन। अरे शिट लो भाई, मैं ठुकने की बात कर रहा तो ठुकी गई, बाकी ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं गाड़ी में। फटाफट से चलते हैं लेस्टर का, यार मेरे को ऑफिस दिखाई नहीं दे रहा, किधर की साइड था, एक मिनट वो रहा वो लोकेशन मेरे को मिल चुकी है। अब फटाफट से चलते हैं कहाँ पे, ये रहा, तो सीधा ही प्यार मैं दूसरे रोड से आ गया तो यार मेरे को पता नहीं चल पाया। बाकी हम लोग अपनी गाड़ी को फटाफट से पार्क करते हैं। वेट गाइस, ये कौन सी बाइक है, एक मिनट, ये कौन सी बाइक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है यार, मैं दिखाता, ओ माय गॉड गाइस ये तो BMW है यार, BMW बाइक है ये तो भाई, काफ़ी ज़्यादा सही है यार, मेरी फेवरेट बाइक यार ये। आखिर लेके कौन आया इसको, शायद से जो लेस्टर बता रहे थे कोई हमसे मिलने के लिए आया हुआ है, शायद वही लेके आया हुआ है ये बाइक, तो हम लोग फटाफट से चलते हैं, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई आखिर ऐसा कौन आया मिलने के लिए हमसे यार जो इतने पैसे वाला है यार। बाकी ये लेस्टर की फैक्ट्री है, यहाँ पे शायद आज वर्कर्स की छुट्टी है, तो हम लोग फटाफट से लेस्टर के ऑफिस चलते हैं। तो यहाँ पे लेस्टर ये रहा, ओ गाइस यहाँ पे देखो फ्रैंकलिन आया हुआ है और लेस्टर ने यहाँ पे पैसे बिखेर रखे हैं, सोना जो हमारा उस दिन निकला था। तो यार देखो यहाँ पे फ्रैंकलिन आया हुआ है, यहाँ पे पुशअप मार रहा है, ओ माय गॉड गाइस ये हवा में कैसे बैठा हुआ है,
तो गाइज मेरी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है एंड लेस्टर से भी मेरी बात हुई है। तो फ्रैंकलिन से मैंने बोला भाई यार तेरी BMW तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है, तो उसने कहा कि कोई नहीं यार तुम चला सकते हो। तो यार आज हम लोग फ्रैंकलिन की BMW बाइक को चलाने वाले हैं, तो फटाफट से चलो चलते हैं नीचे। बाकी लेस्टर से मेरी बात हो चुकी है, वो अपना जो भी है चेक कर रहा है सारा पैसा वगैरह। तो हम फ्रैंकलिन मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो इसने मेरे को चाबी दे दिया, कह रहा है कि यार तुम भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं। यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है। अभी हम लोग बाइक को लेके जाने वाले हैं सीधे फ्रैंकलिन के घर के पास, मतलब घर पे ही जाने वाले हैं उसके, क्योंकि ये कह रहा है कि यार मैं तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाहता था एंड वो मेरे को पार्टी वगैरह कुछ देना चाह रहा है। ओके तो गाइज फ्रैंकलिन हमारी बाइक पे बैठ चुका है, मतलब हमारी नहीं फ्रैंकलिन की ही बाइक है, बट ड्राइव हम लोग करने वाले हैं। एंड यार इसकी मैंने बाइक ठोक दी, शेट कह रहा है यार ये गलत इंप्रेशन पड़ चुका है हमारा। एंड हम लोग इसकी बाइक को जो एकदम आराम आराम से लेके चलेंगे, और अब हम लोग जाने वाले हैं सीधे इसके घर पे, वो भी पार्टी करने के लिए। तो गाइज फ्रैंकलिन मुझसे कह रहा है कि माइकल भाई तुम यार मेरे को ना अपना चेला बना लो यार। फ्रैंकलिन जो है चेला बनना चाहता है यार हमारा, भाई इतनी बढ़िया बाइक लेके आ रही हमारा चेला बनना चाहता है, क्या बात है, अपनी इज्जत है भाई। गाइज हमने दूसरी बार ठोक दिया यार, इसकी बाइक पे कोई निशान वगैरह तो नहीं आया ना। नहीं यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फटाफट से चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे और वहाँ पे चल के इससे बात करते हैं। तो गाइज फ्रैंकलिन का घर ना इधर ही कहीं है, मेरे को तो पता नहीं है, ये कह रहा है कि दम है तो मेरा घर ढूंढ के दिखाओ, तो बाकी हम लोग इसका घर ढूंढ के बता देंगे। ज़्यादा दूर तो होगा नहीं इसका घर, होगा तो यहीं कहीं, ये तो पता ही नहीं रहना है खुद से, यही तो दिक्कत है। तो फाइनली गाइज मेरे को ना फ्रैंकलिन का घर पता चल चुका है। फ्रैंकलिन जो है बता ही नहीं रहा था, पर मेरे को बहुत टाइम बाद याद आया, मैं बहुत टाइम पहले आया था फ्रैंकलिन के घर पे, और ये रहा इसका फ्रैंकलिन का घर। और मैं इसके यहीं पे गैराज में ही गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, बाइक को यानी कि, एंड इसी की बाइक है तो यहीं पे पार्क कर देते हैं हम लोग। फ्रैंकलिन जो है फटाफट से भाग रहा है अपने घर के अंदर, कह रहा है कि भाई फटाफट से जल्दी से अंदर आ जाओ। तो मैं जा रहा हूँ इसके घर पे, एंड यहाँ पे क्यों खड़ा हो गया भाई ये। तो गाइस फ्रैंकलिन तो जा रहा है भाई अंदर अंदर, हमको बुला रहा है। बाकी देखो यार इसका घर ऐसा है, स्विमिंग पूल काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, पर मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हम लोग तैर नहीं सकते हैं। एंड ये अपने घर के अंदर जा रहा है, हमको बोल रहा है कि भाई आओ तुमको थोड़ा हम लोग पार्टी शार्टी कराते हैं। तो गाइस फ्रैंकलिन तो अपना ऊपर जा चुका है, और मैं इसके घर को ज़रा देख रहा था, मैंने कहा यार भाई तू ऊपर जा, मैं ज़रा तेरा घर देख लेता हूँ। और इसका घर देखो यार काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी यार ये सब लोग जो ये सब जो रूम्स हैं वो लॉक हो रखे हैं, और ठंड इतनी हो रही है ना भाई, इसके घर के अंदर भी ठंड लगती है यार। घर तो यार अच्छा बनवा लेता, मतलब घर अच्छा है यार, पर ठंड कैसे घुस रही है, खिड़की वगैरह खोल रखी है ना इसने। बाकी यार ये देखो ये सब इसकी जगह है जहाँ पे जो ये मतलब ऊट पटांग हरकतें करते हैं अपनी। बाकी हम देखो वो रहा फ्रैंकलिन, एंड चलते हैं फटाफट से। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रूट्स खा रहा है क्या? तो फटाफट से चलते हैं इससे बात करते हैं। तो गाइस फ्रैंकलिन ने हमारे लिए यहाँ देखो यार बियर वगैरह मंगवा दी और पिज़्ज़ा मंगवा दिया है यार, पता नहीं क्यों यार इतना कुछ कर रहा है। ये कह रहा था कि भाई मेरे को तुमसे मिलना है। बाकी यार देखो यहाँ पे एक आध बोतल फूट भी गई, देखो वो देखो वहाँ पे फूट गई, गिर गई मतलब लाने में। और ये कह रहा है कि भाई चलो पार्टी शार्टी करते हैं। तो गाइस हम लोग पहले पार्टी कर लेते हैं फिर हम लोग आपसे मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रहा है यार यहाँ पे, मैं तो कम ही पीऊँगा यार वरना अमेंडा मेरी जान ले लेगी। तो गाइज़ मेरे को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मैंने फ्रैंकलिन से बोला कपड़ों के लिए, तो मैंने फ्रैंकलिन के यहाँ पे कपड़े पहने, देख सकते हो यार बहुत ज़्यादा ठंड है यार घर के अंदर, भाई मुंह से धुआं निकल रहा है इतनी ठंड है। और फ्रैंकलिन को देखो भाई आराम से बियर पी के अपना बेड पे पड़ा हुआ है यार, देखो यार पूरे में इसने बोतल वगैरह फोड़ रखी है, अरे पैर में ना लग जाए उस मेरे। तो यार मैं भाई अब चलता हूँ अपने घर पे जल्दी से, फ्रैंकलिन से मैं बस बोल देता हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। बाकी ये अपना लेटा पड़ा है यहाँ पे, इससे मैं बात करता हूँ एक बार। तो गाइस फ्रैंकलिन से मेरी अभी भी बात हुई, और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। एक फ्रैंकलिन कह रहा है कि भाई तुम मेरे घर पे पहली बार आए हो और मैं तुमको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको अपनी BMW बाइक देना चाहता हूँ। भाई मैं तो खुद शॉक हो गया सुन के कि यार ये अपनी BMW बाइक दे रहा है, और कह रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम मेरे घर पे आए, इसी खुशी में मैं तुमको देना चाहता हूँ, और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। तो यार हम लोग चलते हैं फटाफट से ऊपर, इसकी BMW बाइक को निकालते हैं, और ये कह रहा है कि फटाफट चलो यहाँ से देरी मत करो, तो हम लोग फटाफट से चलते हैं, आ जाओ गाइस। तो गाइस फ्रैंकलिन ने हमको ये बाइक दे दी, और बहुत ज़्यादा मतलब खुश है वो भी, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। और फ्रैंकलिन कह रहा है कि फटाफट से बाइक पर बैठो और जाओ यार, तुम अपना इन्जॉय करो बाइक के साथ। तो फटाफट से हम लोग अपनी बाइक पर बैठते हैं, और यार थैंक यू फ्रैंकलिन, हम लोग चलते हैं व्हीली मार के एकदम मस्त। उससे पहले हम लोग हेलमेट लगा लेते हैं, तो हमने हेलमेट लगा लिया है। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं फटाफट से, ये हमने मारी व्हीली और हम लोग चलते हैं, छोटी सी व्हीली थी, फटाफट से चलते हैं। यार आज का ना बहुत ज़्यादा लकी डे था, और यार मैं कैसे बाइक चला रहा हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ इस टाइम पे। तो गाइज हमारे पास फॉर्चूनर भी आ चुकी है, हमारे पास BMW बाइक भी आ चुकी है,
जो कि यार मैं मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को फॉर्चुनर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मेरे को मिल गई। मतलब मेरे को BMW बाइक भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मेरे को मिल गई। तो यार आज का जो डे था मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी था यार, मतलब कसम से बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ इस टाइम पे। एंड अब हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने घर पे, इसको खड़ी करेंगे और अमेंडा को दिखाऊंगा मैं। अमेंडा भी देख के भाई एकदम पागल होने वाली है कि हमको BMW बाइक मिल चुकी है। जिमी भी एकदम खुश होने वाला है, मेरे को तो लग रहा है कि वो अपने कॉलेज लेके जाएगा और अपने दोस्तों को शो ऑफ करेगा, फ्लैक्स मारेगा। बाकी गाइज आई होप तुम लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ इस वीडियो पे 50 लाइक्स जरूर कर देना और 10 कमेंट ज़रूर कर देना। यार पिछली वाली वीडियो पे भी तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया था, इस पे भी देना रिस्पांस अच्छा। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लेना। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।